हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की, चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है 3F। यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर कि हमें करना क्या है, हमें फैक्टराइजेशन करना है जो आपको पॉलिनोमियल सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग आइडेंटिटीज इस्तेमाल होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर मान लिया आपको अपनी नोटबुक पूरी करनी है तो भी आपको क्या करना है, ये नहीं कि भाई आपने सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन उतार लिया, ऐसे तो वेबसाइट्स पर बहुत अवेलेबल है, लेकिन मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आए, इसलिए ध्यान से समझिए, समझने के बाद इसके सॉल्यूशन को कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर चलिए सॉल्यूशन को करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सॉल्यूशन नंबर 30, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपके पास है एक्स की पावर 6 माइनस 7 एक्स पावर 3 माइनस 8। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक अपनानी होगी, जिसमें हम इसमें एक्स क्यूब को माइनस करेंगे और एक एक्स क्यूब प्लस करेंगे, जिसकी वजह से आपको मिलेगा एक्स की पावर 6 माइनस 8x³। अब इसमें माइनस कर दिया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और एक प्लस एक्स क्यूब कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे आपको वापस यही माइनस 7x³ मिल जाएगा। ऐसा ऐसा करने का मोटिव बस यही है कि हमारे पास आइडेंटिटी करने के लिए वो रास्ता तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। वैसे अभी ये चीज़ कॉमन निकलने वाली है, कैसे देखिए ज़रा, अगर मैं एक्स क्यूब यहाँ पर कॉमन लूँ इन दोनों के अंदर से, तो यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब इसके अंदर से, क्योंकि क्यूब तो मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस का 8, और एक्स क्यूब माइनस 8 ये यहाँ पर है ही। अब कॉमन लेना है, कॉमन लिया जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, तो इसके अंदर से बचेगा सिर्फ ये एक्स क्यूब, और इसके अंदर से बचेगा प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, और अब ये कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये कई बार बच्चे क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं, वो नहीं ठीक होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। आइडेंटिटी कौन सी है, वे दोनों आइडेंटिटी में जो है वे लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड माइनस ए बी। याद रखिएगा, जब यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, याद रहेगा ना, गुड। और जो दूसरी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी वो माइनस की है, जो कि यहाँ पर सिर्फ वही बदलाव होंगे जो मैंने आपको बताया, यहाँ माइनस लग गया और जो ए बी के साथ में प्लस लग जाएगा, याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है जो लगाने वाले हैं हम। एक्स क्यूब माइनस 8 के लिए क्या होगा, एक्स माइनस 2, क्योंकि 8 का हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर इस केस में ए हमारे पास एक्स हो जाएगा और बी हो जाएगा 2, और ये आइडेंटिटी लगा करके सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 2, और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर 4 होगा, जो कि बी स्क्वेयर के कोरस्पोंडेंस में है, और क्योंकि माइनस है तो प्लस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स और 2 को मल्टीप्लाई करें आपको 2x मिलता है। अब दूसरे के लिए आप देखेंगे समझेंगे, तो इसको मैं 1³ लिख सकता हूँ, तो x प्लस 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी के कोरस्पोंडेंस में, ये
ए स्क्वेयर के कोरेस्पोंडेंस में आया, ये बी स्क्वेयर के कोरेस्पोंडेंस में आया और ए बी के कोरेस्पोंडेंस में एक्स से आएगा, क्योंकि एक्स इंटू में वन मिलता है आपको एक्स। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब करना ये है कि जो बाइनोमियल्स है उनको एक साथ लिख देते हैं, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। ट्राइनोमियल्स है उसको सीरीज में तरीके से एक्स स्क्वेयर प्लस में टू एक्स प्लस में फोर। यहाँ गलती हो गई कोई? यस, वो गलती क्या है आप देखिए, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि जब यहाँ पर प्लस आया है तो इधर माइनस आएगा। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन और ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? आसान है ना बिल्कुल? हाँ, तो फटाफट से अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ, आपको रिस्पॉन्ड करूँ।